बहन जी के पास ऐसी कौन सी जी ताकत है या बसपा के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो अकेले दम पे चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि तमाम पार्टियां गठबंधन में जाना चाहती हैं। अभिषेक जी, बहुजन समाज पार्टी जो है वो आपको पता है कि परिवर्तन इस देश में जो सामाजिक व्यवस्था है उसका परिवर्तन चाहती है। बाकी बिल्कुल जितनी पार्टियां हैं वो स्टेटस को चाहती हैं। स्टेटस को का मतलब है व्यवस्था सामाजिक है वैसे ही बनी रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो उस तरह की व्यवस्था नहीं चाहती है। और बहुत सारे लोग खास करके माननीय साहब की बात करते हैं तो वो हमेशा पेन की तरह व्यवस्था को बताते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसे है जैसे खड़ी पेन है। तो माननीय साहब बोलते थे कि हमें इस व्यवस्था को हॉरिजेंटल करना है, इस तरह से ये परिवर्तन है। लेकिन इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो व्यवस्था जैसे है वैसे चाहती हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, सामाजिक व्यवस्था बदले। तो विचारों के लेवल पे बहुजन समाज पार्टी के विचार वाली जो पार्टियां हैं वो है नहीं। वो चाहे वो आपको कांग्रेस के रूप में लिबरल मनुवादी दिखे, चाहे वो समाजवादी के रूप में जो है वो उनके शील्ड के रूप में काम करते, उनके थर्ड एजेंट के रूप में दिखे, कम्युनिस्ट के रूप में दिखे। इसीलिए मान्यवर साहब ने इनको एक बहुत साधारण तरीके से समझाया था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो जातिवादी जो पार्टियां हैं उसमें नागनाथ की तरह है, बहुजनों के लिए वो नागनाथ की तरह है। दूसरा कांग्रेस जो है वो सांपनाथ की तरह है, और ये समाजवादी कम्युनिस्ट जो है हरी घास के हरे सांप की तरह। जी तो उन्होंने एकदम स्पष्ट ये समझाया था कि एक तो विचारधारा के लेवल पे जो अम्बेडकर विचारधारा होनी चाहिए वो अम्बेडकरवादी विचारधारा, वो बहुजनवादी विचारधारा इन पार्टियों का लक्ष्य नहीं है। ऐसे लक्ष्य को हासिल ये पार्टियां नहीं करना चाहती, एक बात तो ये है। दूसरी बात, उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने समय समय पे बहुत सारी लिबरल पार्टियों के साथ, खास करके जातिवादी पार्टियों के साथ समझौता करके देखा हुआ है। जी 96 में समझौता हुआ कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की हैसियत नहीं थी लेकिन फिर भी उसकी हैसियत बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 125 सीटें दी, जिसके कारण उनके 33 से ज्यादा विधायक जीते। लेकिन जो समझौते में कांग्रेस को फायदा हुआ वो समझौते से बहुजन समाज पार्टी को फायदा नहीं हुआ। आज भी मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जो भी सवर्ण कांग्रेस का मतदाता था, जो समाजवादी से कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो अगर वो समाजवादी पार्टी के हिस्से की सीट है तो क्या कांग्रेस का सवर्ण समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देगा या बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देगा? किसी भी कीमत पे सवर्ण समुदाय जो कांग्रेस को वोट तो दे सकता है लेकिन वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, इस बात की गारंटी है। जैसे कि अभी राज्यसभा के चुनाव में हुआ कि जो सवर्ण थे वो अपने कैंडिडेट को वोट न देके उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया। ऐसा रिजल्ट जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ भी हो चुका है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ ये लोग गठबंधन तो चाहते हैं, क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का इनको वोट मिल जाएगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को ये वोट दिलाने के काबिल नहीं है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का वोट तो इनको मिल जाएगा लेकिन बहुजन समाज पार्टी को क्या फायदा है? बहुजन समाज पार्टी को मूल रूप से नुकसान है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये एक मोरल प्रेशर बना रहे हैं अपने छोटे भैया नेताओं के माध्यम से कि हमारे दरवाजे खुले हैं। भाई आपके दरवाजे जिन लोगों के लिए खुले हैं वो लोग आपके दरवाजे पर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है आपके दरवाजे पे चक्कर काटने वाली पार्टी नहीं है। और अगर आपको गठबंधन करना है, अगर आपके लिए बीजेपी मुद्दा है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे पर आना पड़ेगा। आपको अपनी जो जातिवादी मानसिकता है वो त्यागनी पड़ेगी, आपको अपनी औकात के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर ये
भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस लड़ती तो कांग्रेस जो है राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कभी भी बीजेपी को जीतने नहीं देती, चाहे किसी भी शर्त पे। बहुजन समाज पार्टी के साथ अगर गठबंधन किया होता तो इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा भारतीय पार्टी को रोकना नहीं है, कांग्रेस का असली एजेंडा जो है वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञान दीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामा स्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।